हाँ तो भाई कैसे हैं आप लोग। अपना आज का व्लॉग ऐसे ही शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी हमें आ चुका है बहुत सारा पसीना, बहुत सारा तो नहीं थोड़ा सा ही आया है। तो अभी हमें जा रहे हैं नया, और हमारे पास है ये एक्शन कैमरा जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था, और ये ट्राइपॉड हमें दराज से बनवाया था। तो ये हमारे चलेगा इसके काम, ये हमारा ये हमारा ये हल्का है क्योंकि मोबाइल सारा जो भारी होता है तो मोबाइल का वेट नहीं उठा सकता। तो अभी हम कुछ करना चाह रहे हैं, ये एक्शन कैमरा को लेके बाहर जाते हैं और साइकिल वगैरह पे हम अपनी वीडियो बनाते हैं और देखते हैं क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं और वीडियो बनाते हैं साथ साथ। तो चलिए हमारे साथ। तो हम अभी बाहर आ चुके हैं और बाहर अंधेरा है तो हमारी कैमरे की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और शोर भी आगे पीछे से आएगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमारे आगे पीछे गाड़ियाँ जा रही हैं और हम भी मज़ा ले रहे हैं ठंडी ठंडी हवा में। ठंडी हवा चल रही है और बादल भी बने हुए हैं, लेकिन रात का टाइम होने वाला है तो इसलिए दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पर कहीं कहीं लाइट चली गई, और ये बात भी है कि लाइट भी गई हुई है यहाँ पे, इसलिए अंधेरा अंधेरा है। वरना तो कराची में तो आपको पता है कराची है ही रोशनियों का शहर, तो यहाँ पे रोशनियाँ क्यों नहीं होंगी। तो अभी हम आ चुके हैं वापस घर पे। एक्शन कैमरा से वीडियो बनाई, वो आपने देख ली होगी कैसी लगी, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो अभी हम हैं अपने घर पे, और क्या बोले, और बाहर से थोड़ा बहुत शोर आता है और पंखा भी लगा हुआ शोर आता है। अभी देखिए पसीना आ रहा है, पंखा लगा हुआ है फिर भी, लेकिन गर्मी आजकल बारिश का मौसम हो रहा है कराची में। बारिश देखते कब होती है बारिश, और एक दफा हुई थी थोड़ी सी ज़्यादा देर हुई, रोज़ाना ऐसे लगता है कि अभी बारिश होती है। आज गली में शोर था कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, आने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बस दुआ है कि बारिश हो जाए और ठंडा मौसम हो जाए, गर्मी ना हो ज़्यादा, बस आमीन। और आप भी दुआ करें, और आपकी जगह पे बारिश हो रही होगी, लेकिन हमारे इधर इतनी बारिश पड़ी, गर्मी पड़ी है लेकिन बस बर्दाश्त के लायक पड़ी, इतनी गर्मी नहीं पड़ रही है, बस इतनी गर्मी है बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे ज़्यादा और बर्दाश्त कर रही हूँ। बस इतना ही, अभी आपको मिलेंगे सुबह उठ के, या फिर कभी भी जो मौका मिला हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपके सामने इसी तरह हाजिर होंगे। बाय। हाँ तो भाई अभी सुबह हो के हम आ चुके हैं, सुबह हो गई और हम आ चुके हैं बाहर, और संडे आज, और इतने दिनों से जो है ना धूप नहीं निकल रही थी और आज धूप निकल चुकी है क्योंकि संडे है, तो संडे हो गया, संडे वाले दिन संडे हो गया। और ये है होटल, इधर पराठे चाय वगैरह मिलती है, और कितना रश लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का सुबह सुबह के टाइम। लोग इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन सुबह घर से नाश्ता कम करते हैं, बाहर का ज़्यादा नाश्ता करते हैं। और जैसे ही हम आगे जाते हैं, अभी दुकानें इतनी नहीं खुली हैं यहाँ पे मार्केट में, और यहाँ पे भी लोग सारे नाश्ते का वेट कर रहे हैं अपने अपने नाश्तों का, और नाश्ता करके यहाँ से लेके और कुछ करके जाएंगे। और इसी के साथ हम अपने घर की तरफ चलते हैं। हेलो, तो अभी हम आ चुके हैं आपके सामने, बाल फिर से खराब हो गए, और हमने सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग भी की थी और साइकिल भी चलाई थी, आपको दिखाया थी, देख के अभी आ गए आप। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, जा रहे हैं दही लेने के लिए, चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं भाईर, और भाईर हम दूध की दुकान के पास आ चुके हैं जहाँ से दही भी मिलेगा, और यहाँ से लेते हैं अब दही। और अब ये इब्राहिम जाएगा दही लेने, 100 रुपये का लिया इब्राहिम, और ये गया इब्राहिम, और इब्राहिम वहाँ दही लेके आ रहा है, और यहाँ से ट्रक भी आ चुका है, तो हमें बाइक साइड में करनी पड़ेगी अब जल्दी से, तो जल्दी से हम बाइक साइड में कर रहे हैं। और अब यहाँ से जा रहे हैं, thank you।
ऊपर भी हमारे पानी आ चुका है। और बस ये मैं यहाँ पे आने की छतरी टूट गई थी तो मैं जोड़ रहा था आने की छतरी, और हम इंजॉय कर रहे थे, नहा धो रहे थे बस। और बारिश अच्छी खासी तेज़ बारिश हुई थी, जगह जगह पानी खड़ा हो गया था, लेकिन ज़मीन इतनी प्यासी थी कि सारा पानी ज़मीन जो है ना पी गई एक दो घंटों में। इसी तरह के पानी खड़ा था, हमने बोला 10 दिन 1 महीने तक जो है ना पानी खड़ा रहेगा, लेकिन पानी निकल गया फटाफट से।